हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो अभी टाइम दिन के 4:30 बज रहे हैं और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैस्ट्रोल एक्टिव स्कूटर इंजन ऑयल के बारे में। मतलब उसका रिव्यू दूंगा 1000 किलोमीटर चलाने के बाद। तो कैस्ट्रोल एक्टिव डलवाने के बाद मैंने स्कूटी 1000 किलोमीटर से ज्यादा चला ली है, 1500 के आसपास चलाई है। तो अभी मैं केदारनाथ गया था 15 दिन पहले। तो उससे पहले मैंने सर्विस करवाई थी अपनी स्कूटी की, जुपिटर की। केदारनाथ जाने आने में 1000 किलोमीटर के आसपास हो गए थे, बाकी यहाँ दिल्ली में ही चलाई मैंने 400-500 किलोमीटर। तो वही मैं आपको रिव्यू बताऊंगा कि कैसा रहा, बढ़िया रहा या बेकार रहा, क्या क्या अच्छी चीज है, क्या बेकार चीज है। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आज से पहले मैं हमेशा कंपनी का ही इंजन ऑयल यूज करता था, मतलब जो कंपनी वाले डाल देते थे, क्योंकि मैं सारी सर्विस कंपनी से करवाता था। तो इस बार पहली बार मैंने बाहर से सर्विस करवाई है, तो इसलिए मैंने इस बार इसमें कैस्ट्रोल एक्टिव स्कूटर इंजन ऑयल डाला, जो कि 300 रुपए के आसपास आता है। और उसके साथ साथ मैंने कैस्ट्रोल का गियर ऑयल भी डाला था, तो ये दोनों मेरे को पड़े थे 330 रुपए के। तो ये वाला इंजन ऑयल डलवाने के बाद स्कूटी बहुत ही ज्यादा मक्खन चल रही थी, मतलब बहुत ही ज्यादा मस्त, मतलब इतनी स्मूथ मैंने कभी नहीं चलाई थी, बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रही थी। मतलब ये लगा लो हल्की सी रेस देने पे चलने लग जा रही थी। और फिर उसके बाद मैं ट्रिप पे भी गया तो वहाँ पे भी एकदम मस्त चली स्कूटी। और हाँ, एक चीज और बता दूं, मैं जो कंपनी वाले सर्विस करते हैं उसमें वो इंजन ऑयल के साथ साथ ऑयल एडिटिव भी डालते हैं, पर जो मैंने बाहर से सर्विस करवाई उसमें मैंने ऑयल एडिटिव नहीं डलवाया था। मतलब मैं डलवा रहा था पर था ही नहीं, मुझे मिला ही नहीं कहीं पे, घर के आसपास एक मिल रहा था पर वो पता नहीं कौन सी अजीब सी कंपनी का था, तो मैंने वो डलवाया नहीं। और ऑयल एडिटिव भी नहीं था, वो ऑयल ट्रीटमेंट ऐसी कुछ था, लेकिन जो कंपनी वाले सर्विस करते हैं उसमें वो ऑयल एडिटिव डालते हैं। तो अब बात करते हैं कैस्ट्रोल इंजन ऑयल की। अरे यार, जाम क्यों लग रहा है, पहले जाम से बाहर निकल जाऊं, तो जाम में गर्मी लगेगी बहुत ज्यादा। और आगे थार जा रही है ब्लैक कलर की। अच्छा, ब्लैक नहीं है, वैसा कलर है, पता नहीं इस कलर का तो नाम भी नहीं पता मुझे, ग्रीन सा है थोड़ा, बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो जो इंजन ऑयल है उसने स्कूटी को बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर दिया था, बहुत मजा आ रहा था स्कूटी चलाने में। तो जब मैंने ये वाला ऑयल डलवाया तो स्कूटी बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गई थी, पर ऐसा हमेशा के लिए नहीं है। तो वो स्मूथनेस 1400 किलोमीटर के आसपास तक रही बस, पर अब वापस से पहले जैसी हो गई है स्कूटी। पर जब मैं टीवीएस से सर्विस करवाता हूँ तो ये सर्विस करवाने के बाद भी ऐसी ही चलती है, इससे ज्यादा स्मूथ नहीं होती, हल्की फुल्की हो जाती है इससे ज्यादा, पर ज्यादा फर्क नहीं है। और जब मैंने कैस्ट्रोल से करवाई तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गई। हाँ, पर 1400 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद ये फिर वैसी हो गई है जैसे टीवीएस के इंजन ऑयल से होती है। कितना धुआं छोड़ रहा है ट्रक, और ऊपर से इसमें इंजन ऑयल एडिटिव भी नहीं डला, अगर वो डलता तो शायद 1400 की बजाय 2000 में होती। तो एक बार घर जाके पता करूंगा कि अभी डलवा सकते हैं इंजन ऑयल एडिटिव या नहीं डलवा सकते। अगर डलवा सकते होंगे तो डलवा दूंगा, देख लेंगे उससे भी कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, या फिर ऑयल एडिटिव ऐसी होता है बस नाम का, तो वो भी पता चल ही जाएगा। नहीं तो जो अगली सर्विस करवाऊंगा उसमें सेम इंजन ऑयल यूज करूंगा और ऑयल एडिटिव भी डलवाऊंगा साथ में। मतलब जहां से मैंने सर्विस करवाई थी अगर वो मना करते हैं कि अभी नहीं डलवा सकते तो फिर मैं अगली बार डलवाऊंगा जब सर्विस करवाऊंगा, और अगर नहीं करते मना तो अभी डलवा दूंगा। अभी तो नहीं, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा तो एक हफ्ता तो लगेगा आने में, या फिर मदनगिरी में पता कर लूंगा वहां मिल जाएगा तो डलवा दूंगा तुरंत। तो देखते हैं, पता चल जाएगा आपको आने वाली वीडियोस में। और हाँ, इसके टायर्स में भी अब दिक्कत आ रही है, मतलब बार बार हवा निकल जा रही है, एक दो दिन चल रही है फिर निकल जा रही है, पता नहीं क्यों। मैंने पंचर भी चेक किया पर मुझे मिला नहीं। तो टायर वाली चीज से मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ। एक बार पहले भी हुआ था इसमें, पर उस टाइम तो मैंने टायर ही चेंज करवा दिया था क्योंकि उसमें बहुत सारे पंचर हो गए थे, 7-8 पंचर, जिसकी वजह से हवा रुक नहीं रही थी। 4 पंचर तो शायद इसमें भी हो ही गए हैं, शायद उसकी वजह से ही हो रहा हो। तो प्राइस के हिसाब से मुझे तो बढ़िया लगा ये वाला इंजन ऑयल। और एक इसका फुल्ली सिंथेटिक भी आता है, कैस्ट्रोल पावर वन अल्टीमेट स्कूटर इंजन ऑयल, तो वो भी डलवा के देखेंगे। तो फुल्ली सिंथेटिक मैंने कभी इसमें डलवाया नहीं है, तो देखते हैं उसको डलवाने के बाद कैसी चलती है, कुछ फर्क आता भी है या बस नाम नाम का फुल्ली सिंथेटिक है। अब जैसे टीवीएस वाले जो इंजन ऑयल डालते थे वो सेमी सिंथेटिक था, पर जो मैंने अभी डलवाया ये सेमी सिंथेटिक नहीं है, पर फिर भी ये उससे ज्यादा बढ़िया है। तो वही है, यूज करने के बाद ही पता चलता है, ऐसे पढ़ के हम नहीं बता सकते कि कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं है। लिखने का तो कंपनी वाले क्या क्या लिख देते हैं, इसमें ये डाला है, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, पर असलियत यूज करने के बाद ही पता चलती है। वैसे आप में से शायद ज्यादातर लोग कैस्ट्रोल ही यूज करते हो, क्योंकि मैंने एक बार पोल डाला था तो सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया था कैस्ट्रोल को कि हम कैस्ट्रोल यूज करते हैं, और दूसरे नंबर पे था कि जो सर्विस सेंटर वाले डाल दे वो यूज कर लेते हैं, और बहुत ही कम 2-3% लोग मोटुल यूज करते हैं। तो आप भी चेक कर सकते हो, वो पोल कम्युनिटी टैब में होगा। तो बस यही था रिव्यू कैस्ट्रोल एक्टिव स्कूटर इंजन ऑयल का। तो अगर आपने भी कभी ये यूज किया तो कमेंट बॉक्स में बताना अपने रिव्यू
कि आपको कैसा लगा, क्या चीज इसकी अच्छी लगी, क्या बेकार लगी। और हवा कम होने की वजह से एक साइड भाग रही, मतलब ऐसे मैं हैंडल पकड़ के चला रहा हूँ तो मेरे को राइट हैंड से ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है इसको दूर रखने के लिए, मतलब राइट हैंड से थोड़ा सा पुश करना पड़ रहा है, अगर पुश नहीं करूंगा तो इधर 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 आ जाएगा। तो बस इस वीडियो को यही एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।